मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक विधानसभा खटीमा के दौरे पर पहुंच गए। वहीं सीएम ने रात्रि विश्राम के बाद बुधवार को खटीमा फाइबर कारखाने के परिसर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी दिया। साथ ही पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत करते हुए सरकार की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का भी आह्वान किया है। इस मौके पर दर्जनों लोगों ने सीएम के सामने भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए बीजेपी की सदस्यता भी ली है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जोर आजमाइश करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करना चाहती है, जिसको लेकर पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में शक्ति केंद्र में कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की तरफ से की गई। वही मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल हुगली से सांसद और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की से प्रभारी लॉकेट चटर्जी भी मौजूद रहीं। उत्तराखंड के सियासी गलियारों में जहां इन दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो चली हैं, तो वहीं अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा दिल्ली से देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने अपने साथ कांग्रेस छोड़कर आए बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। अपने साथी नेताओं से मुलाकात करने के बाद विजय बहुगुणा ने साफ तौर से कह दिया है कि जो नेता उनके साथ बीजेपी में आए वो कहीं नहीं जाएंगे। कांग्रेस के बागी अब बीजेपी के लिए मुसीबत बन गए हैं, जिन्हें पलके बिछाए हार पहनाकर बीजेपी अपने साथ लाई थी, अब वो ही घुटन पैदा करते नजर आ रहे हैं। आपको पता है कि अमित शाह जी आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम है, तो निश्चित तौर पे हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके कार्यक्रम सफल हो। और चुनाव है ही, आपको पता है, फरवरी में। तो मैं गया था, आया था, सबसे पहले संगठन मंत्री से कल पार्टी ऑफिस में बात हुई, चर्चा हुई। और क्योंकि कुछ दिनों से ऐसी यहाँ चर्चाएं अफवाहें कि कुछ राजनीतिक धुंध उत्पन्न हो गया था, मैं तो सब बात जानता हूँ लेकिन लोग सब नहीं जानते बात, तो मैं आया तो हम 9 लोग मार्च 2016 में कांग्रेस से अलग हुए थे। अब 9 लोग कौन है सब जानते हैं। तो हम लोगों के आपस में कोरोना के वजह से भी इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा, बात नहीं हो पाई, तो मैंने इसलिए भी जाना जरूरी समझा कि अपने साथियों से बात करें। कोई गुट तो है नहीं, उत्तराखंड में आई भीषण आपदा पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने आपदा प्रबंधन में प्रदेश सरकार को पूरी तरह से फेल कर दिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा है कि 17 और 18 अक्टूबर को आई आपदा ने सरकार के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। राज्य में कई लोगों की बारिश से मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार की मदद अभी तक कई लोगों तक नहीं पहुंच पाई। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक सरकार की अनदेखी की वजह से लोगों को अपनी जान गंवाने के साथ साथ घर बार खेत खलिहान सब गंवाने पड़ रहे हैं। तो देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपदा ने सरकार के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। देखिए, 3 दिन एडवांस में रेड अलर्ट जारी होने के बाद भी सरकारी तंत्र की जगह जगह चुकें हुई है। उसमें नैनीताल का एक उदाहरण है, जहां पर नैनी झील का जो निकासी सिस्टम था, जिस पर स्काडा सिस्टम लगा हुआ था, गेट ऑटोमेटिक खोलते थे, जो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा सिस्टम से लेस था, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पौड़ी पहुंचे। पौड़ी के सर्किट हाउस में पहुंचने पर राज्यपाल के आगमन पर पुलिस की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया।
राज्यपाल जिले की संस्कृति को जानने समझने के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी लेने के साथ ही जिले के विकास कार्यों का भी जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। आप बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल पौड़ी पहुंचे, पौड़ी में उनका भव्य स्वागत किया गया है। ऐसे में वो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर कई चीजों का जायजा ले सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पौड़ी पहुंचे हैं। पौड़ी के सर्किट हाउस में पहुंचने पर राज्यपाल के आगमन पर पुलिस की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। ये सम्मान उन्हें दिया गया। राज्यपाल जिले की संस्कृति को जानेंगे समझेंगे, इसके साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लेने के साथ ही जिले के विकास कार्यों पर भी चर्चा हो सकती है, कई अधिकारियों के साथ मुलाकात भी हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो राज्यपाल के आगमन पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पौड़ी पहुंचे हैं और पौड़ी के सर्किट हाउस में पहुंचने पर राज्यपाल के आगमन पर पुलिस की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। इसके बाद राज्यपाल जिले की संस्कृति को जानने समझने के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी लेने के लिए और जिले के विकास कार्यों का भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं पौड़ी की। राज्यपाल गुरमीत सिंह पौड़ी पहुंचे, यहां पर उन्हें सम्मान दिया गया है। सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ तमाम और व्यवस्थाओं का वो जायजा भी ले सकते हैं, विकास कार्यों का भी जायजा ले सकते हैं। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सितारगंज रोड पर चिरौंजी मूंगफली वाले से मूंगफली खरीदे जाने के बाद चिरौंजी लाल रस्तोगी मूंगफली वाले जैसा फेमस ही हो गया है। उन्होंने बताया कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपनी जनता और आसपास के लोगों को और हमें नहीं भूले हैं। इस चीज के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। प्रदेश के मुखिया को बेहद सरल और अच्छे स्वभाव का बताते हुए आगे कहा कि हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रदेश का मुखिया ऐसा है जो अपने आसपास के लोगों को याद रखते हुए चलते हैं। मिलनसार आदमी है, उनके ध्यान में मतलब छोटा बड़ा कोई भी नहीं है, उनके लिए सब बराबर है और सब जनता का ख्याल रखते हैं और मिलनसार आदमी है, कोई मतलब उन्हें गर्व या कुछ भी नहीं है। कल के लिए भगवान करे, हम तो कह रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्री हमें बार बार उत्तराखंड के लिए दें जो सब जनता का ख्याल रखे और मतलब विकास भी पूरा कर रहे हैं और सभी का ध्यान भी रख रहे हैं। इसमें इसके बारे में तो बहुत ही बढ़िया आदमी है, इसके इनके जैसा तो मैंने कोई देखा ही नहीं है और भगवान करे कि इनके ऐसे ही मतलब संबंध सब लोगों से बने रहें। हमें गर्व है कि हमारे विधायक जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी हमें भूले नहीं और बरकरार मतलब जैसे 10 साल से याद रखा वैसे आज भी मतलब वैसे ही उनका संबंध है मुझसे। मूंगफली खरीदी थी और इसके बाद चिरौंजी मूंगफली वाले उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा इन दिनों उत्तराखंड में हैं। विजय बहुगुणा पर बीजेपी के कई नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी है। देहरादून में विजय बहुगुणा ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं हरीश रावत ने भी अब विजय पर कई तीखे हमले किए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि विजय बहुगुणा का कांग्रेस में दर्द केवल एक था कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, उन्हें तो बीजेपी ने भी राज्यसभा नहीं भेजा। ऐसे में लगता है कि कहीं विजय बहुगुणा बीजेपी से राज्यसभा ना भेजे जाने के मुद्दे पर आप में एंट्री तो नहीं करने जा रहे हैं, कांग्रेस तो अब शायद उनको अपने पार्टी में शामिल ही नहीं करेगी। हरीश रावत ने कहा है कि विजय बहुगुणा इन दिनों बेरोजगार चल रहे थे, अब बीजेपी ने उन्हें कांग्रेस मूल के नेताओं को मनाने के लिए भेजा है, इससे बहुगुणा को भी रोजगार मिल गया है। तो उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा इन दिनों उत्तराखंड में मौजूद हैं, ऐसे में हरीश रावत उन पर पलटवार करते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।